तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इस शेडर को कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो जल्दी से वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको डिस्क्रिप्शन में एक माइनक्राफ्ट पैच का लिंक मिलेगा, उसे डाउनलोड कर लेना है और इसे इंस्टॉल भी कर लेना है। इसके बाद उसके नीचे ही आपको एक शेडर का लिंक मिलेगा, उसे भी डाउनलोड कर लेना है। इतना कर देने के बाद आपको देखना है कि आपके मोबाइल में जेड आर्चीवर है या नहीं। अगर नहीं हो तो आप प्ले स्टोर से इजीली डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जेड आर्चीवर पर क्लिक कर देना है। इतना कर देने के बाद आपको यहाँ पर अपने पैक को ढूंढना है। तो ये रहा मेरा पैक, तो इसमें रीनेम पर क्लिक करता हूँ और पीछे से डॉट जिप को हटा देता हूँ। और आपको देखना है कि आप इसके पीछे एमसी पैक लिखा है या नहीं। अगर लिखा है तो ठीक है, नहीं तो वरना डॉट एमसी पैक लिख देना। इतना कर देने के बाद आपको ओके पर क्लिक कर देना है। फिर आपको सर्च बार पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको सर्च करना है अपने पैक का नेम और यहाँ पर ओपन पर क्लिक कर देना और यहाँ पर माइनक्राफ्ट पैच को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आप इनमें से कोई भी दबा सकते हैं। आप माइनक्राफ्ट में आ जाएंगे। इतना कर देने के बाद आपको 2-4 मिनट वेट करना है और पैक को लगा लेना है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि ये शेडर किस प्रकार का है। तो देख सकते हैं आप, इसमें सब कुछ बढ़िया है। तो मैं सबसे पहले अपनी सेटिंग्स करके आता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कितना बढ़िया है, शैडो भी है, सब कुछ आपको इसमें देखने को मिल जाएगा। और आप आसमान की तरफ भी देख सकते हैं कितना बढ़िया है। और ये देख सकते हैं लीव भी हिल रही हैं। और उसके बाद मैं आपको अब बारिश करवा कर दिखाता हूँ। यहाँ पर मैं वेदर को सिलेक्ट करता हूँ और रेन करता हूँ। और यहाँ पर देख लेना कैसे ये गीला गीला हो जाएगा। और ये आप एक बार ट्राई कर देख लेना कि आपके 1 या 2 GB वाले मोबाइल में भी चल जाए। तो देख सकते हैं आप, ये देख सकते हैं ये गीला गीला होने लगा है सब कुछ। और देख सकते हैं, अगर आप अभी तक आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बस तो आज की वीडियो में इतना ही।